ये 70 लाख रुपए टैक्स काट के आपको मिलेंगे। चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है इतनी मोटी 10 लाख जीतने के बाद। अभी 100 के उल्टे अच्छा आप 49 का 2 लगाइएगा तो 100 रुपए मतलब मिनिमम। सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी सर। नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल पब्लिक पुराण न्यूज पे। अभी मैं फिलहाल आरा के चरपोखरी के ठकुरी गाँव में हूँ और एक छोटा सा गाँव है। ठकुरी गांव में आने का पर्पस ये है कि आप जैसा जानते हैं कि लगातार हम आपके बीच ड्रीम इलेवन डिनर का इंटरव्यू लेकर के आते हैं। इसी कड़ी में हमारे बिहार के ही एक युवा है जो चरपोखरी आरा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच चल रहा था T20 उसमें पहले सीरीज में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 1 करोड़ रुपए राशि को जीता। तो लगातार जो हमारे दर्शक है उनका डिमांड आ रहा था कि सर सौरभ जी का इंटरव्यू नहीं लिया है आपने, आप इनका इंटरव्यू लेके आए और आज आपको मिलवाते हैं सौरभ जी से, किस प्रकार से इन्होंने ड्रीम इलेवन पे टीम लगाया और कितना कुछ पाया है, क्या करते हैं, सारा कुछ जानेंगे, मिलेंगे सौरभ जी से और बातें करेंगे। आप ड्रीम इलेवन में पैसा जितना चाहते हैं और आपको अच्छा खासा टीम चाहिए तो आप परफेक्ट लाइनअप को प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर ले, जहाँ पे आप मासिक सदस्यता दे करके आप टीम खरीद सकते हैं। आप जितनी ज्यादा टीम ले सकते हैं उतना ज्यादा टीम आपको परफेक्ट लाइनअप की तरफ से दिया जाए, जहाँ पे आपको मैच के बारे में पूरा विश्लेषण दिया जाएगा, कौन खिलाड़ी कब चलेगा, कौन खिलाड़ी किसके विरुद्ध चलेगा, प्लेयर रिपोर्ट क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको परफेक्ट लाइनअप पे मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है जिसपे आप स्क्रॉल करके जितनी भी ऑप्शन है सबको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं, परफेक्ट लाइनअप से टीम ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा विन कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए सौरभ जी कि आप ड्रीम इलेवन कितने सालों से खेलते आ रहे हैं? 2020 से सर। 2020 से खेलते आ रहे हैं जी सर। अभी तक आपने कितना लेवल यानी कितना अपना स्किल स्कोर पाया है? स्किल स्कोर सर 81 है जी सर। जब 2020 से आप ड्रीम इलेवन खेलते आ रहे हैं तो अभी तक आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया था? 2020 से खेलते आ रहे थे तब तक सर लगाते थे उतना ही जितना कि हमको मतलब रिटर्न आता था या कुछ प्रॉफिट ही आता था, लॉस ना के बराबर होता था। तो आप लॉस में नहीं गए? नहीं सर। ज्यादातर युवा ड्रीम इलेवन पे लॉस में चले जाते हैं क्योंकि वो मतलब आंख बंद करके टीम लगाने लगते हैं, 10-20-30 मतलब जितना हाई टीम लगाने की कैपेसिटी है उतना उतना टीम लगा देते हैं और धीरे धीरे पता चलता है 2-4 महीने में एक अच्छा खासा लॉस कर जाते हैं। तो क्या आप भी ज्यादा से ज्यादा टीम लगाते थे? नहीं सर, मेरा टीम 1-2-1-2 आईपीएल में बस वही 2-2 होता था, उसके बाद तो मतलब मेरा होता था कि अगर हम ज्यादा की टीम लगाते थे तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मतलब क्या बोले टीम हम सेलेक्ट अच्छा से नहीं कर पाते थे। अच्छा। हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि हम मतलब टीम अच्छा सेलेक्ट किए, लेकिन अगर हम एक टीम सेलेक्ट करते थे तब हमको ऐसा लगता था कि हम अच्छा, मेरा अच्छा टीम जाए। मतलब 3-4-5 में दिमाग आपका कंट्रोल नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था, जल्दबाजी में कुछ भी सेलेक्ट करना पड़ता था। तो अभी तक लॉस आपका नहीं हुआ? नहीं। इस वाले मैच में आपने कितना टीम बनाया था? एक टीम बनाए थे, एक ही टीम से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। और आपका जो प्रोफाइल आईडी है वो किस नाम से है? जय कंसवर्मा। जय कंसवरम बाबा, मैंने भी देखा था इस चीज को क्योंकि मेरा भी टीम लगा हुआ था और मैं भी काफी टाइम से खेलते आ रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कभी लक लगा नहीं, आपका लक लगा तो कंग्रेचुलेशंस है, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 70 लाख रुपए टैक्स काट के आपको मिलेंगे या फिर मिल गए होंगे और 70 लाख कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है जी सर। तो कैसा लग रहा है इतना मोटा अमाउंट जीतने के बाद? सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी सर। तो ये जो आप ड्रीम इलेवन से पैसा जीते, आप जब खेल रहे थे तो आपके परिवार में किसी को पता था कि मेरा बेटा ड्रीम इलेवन पे टीम लगाता है? क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मानना होता है कि ड्रीम इलेवन एक जुआ है और इस पे हमेशा रिक्सी रहता है और बहुत सारे लोग इसको जुआ की तरह अपनाते भी है, बहुत सारे लोगों ने अपना जमीन तक बेच दिया है। पिछला इंटरव्यू मैंने किया था जिसपे वो 15 लाख जीते थे लेकिन 2 महीने से खेले थे, 2 महीने उन्होंने 2 लाख रुपए लॉस भी किया था, उसके बाद 15 लाख जीता। तो ऐसा तो आपका लत नहीं था कि आप भी कोई मोटा अमाउंट? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई लक नहीं था। नहीं था? अगर मेरा अगर कोई कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन होता था तो स्मॉल कॉन्टेस्ट होता था जो कि 12 में ही आ जाता था। अच्छा। अगर हम मतलब मेरा एक लिमिट था कि 50-60 तक, मतलब अगर हो रहा है कभी तो 2 टीम मतलब 2 टीम बताएं जिसमें आप 49 का 2 लगाइएगा तो 100 रुपये मतलब मिनिमम, तो उससे ज्यादा मेरा नहीं होता था, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हुआ। अगर वही 12 का कर देते तो 4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, 48 में खत्म। आपके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है इतनी मोटी 10 लाख जीतने के बाद। अभी 100 के उल्टे। अच्छा, इस वजह से नहीं लग रहा? हमारे तरफ बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पे आए होंगे जी सर, परेशान नहीं होते उन लोगों से? मतलब हम लोगों से, उन लोगों से नहीं, हम लोगों से परेशान नहीं होते? नहीं सर, परेशानी उतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा एक होता है ना कि एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो थोड़ा घबराहट टाइप का होता है, लेकिन अब वैसा नहीं कुछ है। आपकी वजह से ठकुरी गांव को आज जितने भी ड्रीम इलेवन लवर है या फिर जो इन सब चीजों में रुचि लगते हैं, लॉटरी में, ड्रीम इलेवन में या फिर इस तरह की यूनिक वीडियोस को देखने में, सारे लोग आज आपको जान रहे हैं।
पूरा बिहार आपको जान रहा है, पूरा देश आपको जान रहा है, कैसा फील हो रहा है? ठकुरी गांव को पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। सर हमको क्या, मेरे मतलब क्या बोले, अगर मेरे वजह से पूरा गांव ये सब का नाम हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम मतलब इस एज में हम तो अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे घर का, मेरे गांव का, मेरे मतलब जिला का, मेरे प्रखंड का सारा नाम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपसे मिलने यहाँ के पदाधिकारीगण भी आते क्या? नहीं सर, नहीं आए थे। गांव के लोगों का क्या कहना है? गांव के लोगों का वो लोग मतलब वो लोग का कहना मतलब जीतने के बाद तो कुछ लोग घर पे आए होंगे तो कुछ ना कुछ बोले होंगे कि नाम किया या फिर गलत किया। वही बोला मतलब बहुत सब लोग बोला। एक्चुअली ड्रीम इलेवन पे पैसे जीतने के बाद निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि आप गांव रह के खेल रहे थे लोग नहीं जाना, लेकिन जानने के बाद होता क्या कि आप जीत गए तो बहुत बड़ी बात है, सहवासी हो गए, लेकिन अगर यही एक अच्छा खासा अमाउंट हार गए होते तो लोग आपकी क्रिटिसाइज भी करते। तो सर जिसे सबको पता था, सब जानता है, अगर जो भी जानता है मेरे बारे में वो इतना जानता है कि वो ज्यादा टीम लेकर नहीं खेलता है, खेलेगा तो एक टीम खेलेगा या दो टीम खेलेगा, उसका लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ज्यादा खेलिएगा तब तो आपका लॉस। अच्छा, ड्रीम इलेवन पे पहले विश्वास था कि नहीं वास्तव में ड्रीम इलेवन पैसे देती है? एक मतलब एक टाइम लगा था, सब बोलता था तो एक टाइम लगा था कि इतना इतना रैंक बुक होता है तो डाउट होता था, पर मतलब मेरे माइंड में ऐसा भी चल रहा था कि डेली तो कोई ना कोई आ रहा है, उसका टीम आ रहा है तो मेरा भी टीम हो सकता है कि आएगा, क्योंकि हम छट जा रहे हैं कुछ पॉइंट से, पहले भी छटते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी आएगा, बस दिमाग में था कि हाँ आएगा, मतलब ड्रीम इलेवन पे डाउट हो रहा था। हाँ डाउट होता था, अब नहीं होता है, अब मेरे वजह से सारे लोग खेल रहे हैं गांव के। सही बात है, गांव के ही नहीं पूरा आरा खेल रहा है। वही तो बोल रहे हैं, मेरे वजह से सबको पता चल गया। अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, नहीं जीते, अच्छा खासा लॉस होता है, फिर क्या होगा? अगर हम तो बोल रहे हैं, अगर आपको खेलना है तो जिस टीम के बारे में आपको नॉलेज है वही टीम लगा कर खेलिए, बाकी फालतू लगाइएगा तो उसमें तो आपका लॉस होगा ही। अगर आपको पता है तो वो तो ऐसा सिस्टम है उस पर कि आपका रिकवर कर देता है, जिसे 49 का लगा रहे हैं, 65 लाख पब्लिक खेल रहा है, उसमें आप 43 लाख के अंदर में तो आपका रुपया रिटर्न आ जा रहा है। बाकी का जब बाकी का जो अब टीम जो पूरा या तो खराब है वही लॉस करता है। मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि आप अपना ज्वाइनिंग अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, 8-10 लाख ऐसे लोग होते हैं जो लॉस में जाते हैं।